डाउनलोड करें JEE AB 360 बाय आदर्श बर्णवाल, और यहाँ पे यार आप लोगों को कॉलेज प्रिडिक्टर का ऑप्शन मिलता है। कॉलेज प्रिडिक्टर में जाएं आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज प्रिडिक्टर है JEE मेंस एडवांस के लिए, WBJEE के लिए। इस प्रिडिक्टर में जाके आप अपनी रैंक और EWS है, जनरल है, जो भी है वो डालें, और नंबर ऑफ कॉलेजेस जो जो आप लोगों को मिल सकते हैं वो आप लोगों को दिख जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक WBJEE कॉमेट के। और इस ऐप पे आप लोगों को टैप टू सी रिसेंट अपडेट्स मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को रिसेंट अपडेट्स मिल जाएंगे। और उसके सो हाय गाइस, आदर्श है आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है यार, क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, हर साल जब भी जोसा की सीट मैट्रिक्स आती है, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रही है। अब 2022 की जो सीट मैट्रिक्स आई है, जो कि आप लोगों के सामने अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आप लोगों को PDF डाउनलोड करना होगा तो मेरी वेबसाइट पे जाके मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप लोग PDF डाउनलोड इसकी कर लीजिएगा, है ना। वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट जो कि आप लोगों से करनी थी, अगर आप लोग अभी तक काउंसलिंग को हमारे ज्वाइन नहीं किए हो 499 रुपीज़ वाला, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, और उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी काउंसलिंग में। 499 रुपीज़ का काउंसलिंग होगा, जिससे आप लोगों की सारी दुविधाएँ दूर हो जाएंगी। तो उसकी लिंक जहाँ से जाके आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसकी डेमो लिंक जिसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि मैं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो दोनों ही मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। तो आप सभी को पता है यार कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहते हैं कि हमारी जो इंजीनियरिंग सेक्टर है यहाँ पे भी जो गर्ल्स की पार्टिसिपेशन है वो बढ़े, इसीलिए उन्होंने फीमेल न्यूमररी सीट्स लाया था, जिसके बारे में भी आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अगर आप IIT की सीट मैट्रिक्स देखेंगे यार, अगर मैं इस साल की बात करूँ तो पिछले साल के हिसाब से तकरीबन 300 सीटें IIT में टोटल बढ़ी है इस बार यार। बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट बात है अगर 2022 में देखेंगे तो IIT की सीटों में अगर आप देखेंगे यार, तो जनरल के लिए भी सीट्स यहाँ पे बढ़ाई गई है। जो हमारी जनरल EWS है उनके लिए भी सीट्स बढ़ी हैं, SC कैटेगरी के लिए भी सीट्स बढ़ी हैं, ST कैटेगरी के लिए भी सीट्स बढ़ी हैं। उनमें जैसे कि फॉर एग्जांपल जब कोई नई कॉलेजेस वगैरह बनती है तो उनमें पहले लिमिटेड सीट्स डाली जाती हैं, उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद उसमें नए नए ब्रांचेज उसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और आज के बदलते दौर में कई सारे कॉलेजेस में कई सारे न्यू ब्रांचेस भी एडिशन हो रहे हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, कई सारे कॉलेज में आ गया है, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ला दिया गया है, और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, और इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि आगे के दिनों में भी और नंबर ऑफ सीट्स वो बढ़ने वाली है। तो अगर मैं पिछले साल के हिसाब से बोलूँ तो पिछले साल 16,232 सीटें थी, और इस साल वो सीट बढ़ के हो गई है 16,598। तो आप लोगों के लिए चांसेस थोड़ी सी बढ़ गई है यार कि आप लोगों की IITs में एडमिशन हो पाए। और बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता कि हम लोगों को किस रैंक पे क्या कॉलेज वगैरह मिल सकती है, इसी के लिए हम लोगों ने ये काउंसलिंग को लॉन्च किया था 499 रुपीज़ का, और इनमें अभी तक बहुत सारे बच्चों ने इनरोल कर लिया है, तो आप भी इनरोल इसलिए कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं IIIT की सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पर भी बंपर नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं, तकरीबन 1,000 सीट्स हमारी IIIT में बढ़ी हैं। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो 6,146 सीटें थी, इस साल वो सीटें बढ़ के हो गई है 7,126। अगर मैं इसमें जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 400 सीट्स उनके लिए बढ़ी है। अब IIIT में जब नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी है यार, सबसे खुशी वाली बात यह है कि जितने भी IIIs हैं उनमें 90% IIIs में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस, IT और ECE है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीटें बढ़ी हैं यार, ये बहुत ज़्यादा चांस है कि सीटें कंप्यूटर साइंस या फिर IT या फिर ECE में सीटें बढ़ी होंगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो जनरल कैटेगरी के लिए भी सीट्स बढ़ी हैं, EWS के लिए भी ह्यूज नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे बढ़ी है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सीट मैट्रिक्स जब दिखा रहा हूँ यार, तो आप लोग 3 सालों का देखेंगे तो 2020 में जो नंबर ऑफ सीट थी वो 5,400 थी, और 2022 में वो सीट बढ़ के हो गई है 6,500। तो अब जो जिन बच्चों को हो सकता है कि 2020 में सीट नहीं मिल पाई होगी, वैसे बच्चे उतने रैंक पे हो सकता है कि इस साल आप लोगों को सीट मिल जाए। तो GFTI भी अगर आप साल दर साल देखेंगे यार, 2020 में जो नंबर ऑफ सीटें थी वो 5,600 के करीब थी, और अभी वो बढ़ के हो गई है 6,700, तो तकरीबन 1,700 सीट्स बढ़ गया है पिछले 2 सालों के अंदर। लेकिन GFTIs में यार जनरली बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे GFTIs की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, है ना। और इसमें भी आप देखें कैटेगरी वाइज भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स बढ़े, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले। अच्छा, लास्ट में हम लोग आते हैं NIT की सीट मैट्रिक्स की। तो NIT की सीट मैट्रिक्स यार 2020 के हिसाब से देखेंगे तो हाँ बढ़ी है, लेकिन अगर आप यार 2021 के हिसाब से अगर डेटा को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया यहाँ पे तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप 2021 की डेटा देखेंगे यार, तो नंबर ऑफ सीटें थी 23,997, और 2022 में जो नंबर ऑफ सीटें हैं वो 23,994। तो आपको ऐसा लग सकता है कि भैया यहाँ पे तो नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ सीट्स तो वो कम हो गई है, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ यार कि कई सारे ब्रांचेज ऐसे हैं NITs में हमारे, और खास करके जो नीचे वाले NITs हैं उनमें कई सारे ऐसे ब्रांचेज हैं जिनमें सीट्स खाली रह जाती है। अब बोलोगे खाली क्यों रह जाती है, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे बच्चा जाना नहीं चाहता, और प्लेसमेंट भी वहाँ की उस ब्रांच पे अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे वो सीट्स
कम होती है उसमें। इसी वजह से उन IITs या फिर उन ट्रिपल IITs या फिर उन NITs में जिनकी सीटें साल दर साल जो है वो यार खाली रह जाती है, तो उसको सीट्स को डिक्रीज करके वैसे ब्रांचेस जो कि ट्रेंडिंग है उनमें सीट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। कोई भी डेटा की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि फीमेल न्यूमररी सीट्स भी आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। इससे आप लोगों को इतना फायदा होता है, मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉलेज में एक लड़के को एडमिशन के लिए 20,000 रैंक पे उसकी एडमिशन हो जाती है, अगर कोई लड़की है, अगर उस लड़की का रैंक अगर 28,000 या 30,000 भी होगा तो उस लड़की का भी एडमिशन हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जोसा काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, जो कि हम लोग अपने 499 वाले पैकेज में जरूर से जरूर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं टोटल सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो टोटल सीट मैट्रिक्स में ह्यूज जंप देखने को मिला है। 2021 में जो टोटल सीटें थी वो 52,453 थी और इस साल वो सीट बढ़ती हो गई है 54,477। इसकी कंप्लीट पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फीमेल न्यूमररी सीट्स में इंक्रीमेंट हुई है, पिछले साल वो थी 2437, इस साल बढ़ती हो गई है 2971, विच इज अ ह्यूज थिंग। और अगर मैं टोटल सीट्स की बात करूं तो आप लोगों के सामने दिख रहा है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स यहां पे बढ़ी हैं। अब यहां पे 2019, 2020, 2021 और 2022 की यहां पे आप लोग सीट मैट्रिक्स देखें यार, साल दर साल कितने नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं। 2019 में जिसमें हमारे भाई का एडमिशन हुआ था, उसकी रैंक तभी थी 12,000, उसे IIT पटना में केमिकल मिल रहा था और वो लास्ट कटअप गया था IIT पटना का केमिकल का। और पिछले साल 15,000 पे भी बच्चों को कॉलेज मिल गए, और बीइंग ए लड़की, अगर कोई लड़की है तो उसको तो यार 27,000-28,000 पे कॉलेज मिल गई या फिर 25,000 तक तो 100% मिली। और इस साल मुझे लग रहा है कि ये डेटा और भी आगे बढ़ जाने वाला है। इस साल हो सकता है कि पिछले साल 15,000 तक गई थी, इस साल 15,200 या 400 तक भी जा सकता है, और लड़कियों के लिए ये डेटा 25,000 से 30,000 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो ये थी यार नंबर ऑफ सीट्स जो कि मैं आप लोगों को IITs, ट्रिपल IITs, NITs और GFTIs के लिए बताना चाहता था। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई।